सभी को हेलो। आखिरकार हम चुनौती शुरू कर रहे हैं और मैं अभी बदकिस्मत निकला, मुझे गम का सिर्फ एक पैकेट मिला है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। मेरे पास तो इसका पूरा गुच्छा है। एलेक्स, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम पहले अपना गम खा सकते हो। ठीक है, कम से कम कुछ अच्छा। मुझे हबा बबा बहुत पसंद है, खासकर बबल गम के स्वाद वाला। ये तुम क्या कर रहे हो? च्युइंग गम तुम्हारा है और मुझे कचरा उठाना है। अब तुम देखो। ओह चलो, गुस्सा मत करो। बेहतर होगा कि तुम देखो कि मैं कैसा बबल बना रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम बबल से खेल सकते हो? लेकिन इसके लिए तुम्हें इसमें मास्टर होना होगा। वाह, सच में बहुत बढ़िया। एलेक्स, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब गम चमाने की मेरी बारी है। सबसे पहले मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। मैं एक टेक्निक भी जानती हूँ जो मुझे बहुत मदद करेगी। वाह, बहुत बढ़िया। और अब उन्हें खाने का समय आ गया है। लिप वैक्यूम क्लीनर एक्टिवेटेड। अरे वाह। और अब देखो कि वास्तव में एक बड़ा बबल क्या होता है। ना, ऐसा कोई बबल नहीं रहने दूंगा जो मेरे से बड़ा हो। यह क्या किया? भयानक, तुमने न केवल मेरा बबल फोड़ दिया बल्कि अब मेरी भौहें भी निकल आईं। अब मैं कैसे रहूंगी? उन्हें वापस चिपका दो। ठीक है, मैं थोड़ा घबरा गई। अब ठीक है मिला, अब गम चमाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार रैपर से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक विशेष मशीन तैयार की है। वाह, बहुत ही प्रभावी तरीका। और अब इन्हें एक एक करके खा सकते हैं। क्या तुम वास्तव में शानदार बबल देखने के लिए तैयार हो? तो चलो चलते हैं। मेला, बस करो। oh, no. ये बहुत बड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? Bingo. मेरे पास एक आइडिया है। हमें बबल को गुलेल से फोड़ने की जरूरत है। एलेक्स, शूट करो। मैं ही क्यों? क्योंकि नहीं तो मिला अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। जल्दी करो। तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे खुद ही सब करना पड़ेगा। बेटा, तुमने अच्छा किया, पर अब हम मुसीबत में हैं। मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे चिड़ियों से दोस्ती करनी होगी। तुम लोगों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। ओह, मेरे पास केवल एक अनार है और मेरे पास पूरे 10 है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, जरा मेरे ढेर को देखो। लेकिन मेरा अधिक स्वादिष्ट है। मिला, तुम पहले खाओ। हुरे, मुझे अनार बहुत पसंद है। जरा देखो कि इसके अंदर के बीज कितने स्वादिष्ट लगते हैं। हालांकि वे खाने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन इस तरह के छोटे ट्रीट्स के लिए मेरे पास हमेशा ट्वीजर होते हैं। यह स्वादिष्ट और सुविधाजनक है और अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं होगा। बेहतर होगा कि मैं बीज को एक प्लेट में रख दूं और फिर सब कुछ एक ही बार में खा लूं। हाँ, इस तरह से यह ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ठीक 100 बीज, ये बहुत अच्छा है। तो यह मेरे लिए पहले की तुलना में 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। हालांकि मेरे पास केवल एक अनार था, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। सबसे पहले अनार को खोलना होगा। यह आसान होना चाहिए। इसे तोड़ता हूँ। कितना भयानक। एलेक्स, अब तुम कितने खूंखार दिख रहे हो। खूंखार दिखना अच्छा नहीं है, लेकिन अब यह अनार तो बस कमाल का है। बहुत स्वादिष्ट। एलेक्स पागल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक स्वादिष्ट अनार खा रहा हूँ बस। बेटा, अब तुम समय बर्बाद मत करो और अपना अनार खाओ। बिल्कुल, अब ये मेरे ढेर सारे अनार खाने का समय आ गया है। मिला, मुझे चाकू चाहिए। हाँ, ये लो। सिर्फ अनार खाना बोरिंग है, लेकिन उनमें से स्वादिष्ट जूस बनाना मजेदार से भी ज्यादा है। देखो मेरे पास कैसा जूसर है। वाह, इतनी बड़ी मशीन।
एक बड़ा जूसर और ढेर सारे अनार से हम बहुत सारा जूस बना सकते हैं। बस उसे देखो, वो मुझे इसे जल्द से जल्द पीने के लिए कह रहा है। क्या ये स्वादिष्ट है? बहुत। अब तुम्हारे चेहरे पर भी पूरा जूस लग गया है बेटा। ये कोई समस्या नहीं है, हम इसे आसानी से और आराम से छुटकारा पा सकते हैं। अफसोस, मेरे पास कोला का केवल एक ही कैन है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। देखो मिला को कितने सारे मिले हैं। हाँ देखो, मेरे पास कोला के कैन का एक पूरा टावर है। लेकिन फिर भी मैं पहले पीऊंगी, कम से कम मैं किसी चीज में तो भाग्यशाली हूँ। कोला हमेशा स्वादिष्ट होता है। और इसके बाद पेट हमेशा बातें करता है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया है कि कोला के अपने सभी डब्बे एक बार में कैसे पिया जाए। इसे खोलने की जरूरत है और उसके बाद मुझे एक विशेष स्ट्रॉ की आवश्यकता होगी, जिसे मैंने हाल ही में बनाया है। वाह, यह अच्छा आइडिया है। आखिरकार कोला बहुत स्वादिष्ट होता है। ओ, लगता है कुछ बाहर आना चाह रहा है। यह डकार बहुत पावरफुल थी। तुम्हें क्या लगा, मैं भी कोई हस्ती रखता हूँ। और मुझे पेप्सी ज्यादा पसंद है और मुझे एक जार मिला भी है। कितना अच्छा। क्यों, अब सब कुछ गिर जाएगा। तो क्या, इसे गिरने दो। कम से कम अब मुझे ऊपर के लाइन तक नहीं जाना होगा। शर्त लगा लो कि मैं कोक के सारे डब्बे एक ही बार में पी जाऊंगी। हम तुम पर विश्वास करते हैं। बस हम पर कचरा मत फेंको। बिल्कुल, ये कैंस है और ये चेहरे पर पड़ने पर दर्द होता है। मुझे माफ करो, मैं बस रुक नहीं सकती। मेला, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने अपना पेट देखा है? हाँ, ये सब गैस है। अपने आप को बचाओ, अगर बचा सकते हो तो। ये एक इमरजेंसी है। मेला ने डकार मारी। ओ मिला, कोई और कोक नहीं। मुझे और नहीं चाहिए, यह मुझ में फिट नहीं होगा। बस एक ट्विक्स, बहुत कम है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं से तो बेहतर है। चलो इसे खा लेती हूँ, लगता है वो बहुत भूखी है। अरे सावधान, तुमने मुझे सीधे माथे पर मारा। और अगर तुम मुझे और तंग करती हो तो मैं इसे फिर से करूँगी। मेरे पास एक आइडिया है, देखो। मुझे डर लग रहा है, अब आरा दूर रख दो। चिंता मत करो, मुझे ये ट्विक्स को काटने के लिए जरूरत है। सावधान, क्रम्स हर जगह उड़ रहे हैं। बस मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ, अब बस आखिरी टुकड़ा काटना बचा है। अब चॉकलेट खाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। तुमने हमें पूरा गंदा कर दिया है, देखो। ओ, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ, मेरा मतलब यह नहीं था। देखो मैंने कितना अच्छा किया है, ज्यादा चॉकलेट लग रहा है। दो टुकड़े थे और अब 10 है, बहुत अच्छा। ओ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ट्विक्स खत्म हो। यह तो होना ही था, लेकिन हर चीज के अपने फायदे हैं। अब मैं खुद को तरोताजा कर सकती हूँ। इतने सारे रैपर से मुझे तुरंत हटाना होगा। वाह, तुमने अच्छा किया, धन्यवाद। अब मैं एक ही बार में सब कुछ खा सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। कितना स्वादिष्ट है। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे बार्स हैं। लेकिन तुम्हें बेबी बोतल की जरूरत क्यों है? आह, मेरा सिर। तुम मुझ पर चीजें क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मुझे चॉकलेट मिल्क बनाना था। लगता है यह काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि ट्विक्स इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मैं भी पीना चाहती हूँ कभी और। अभी मेरी बारी है। मुझे पहले से ही पता है कि इतनी चॉकलेट का क्या करना है। सबसे पहले सभी रैपरों को हटा देती हूँ। वाह, तुमने इसे किस तरह से किया, ये बहुत अच्छा था। अब टावर का निर्माण शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पैचुला और मीठा सीमेंट चाहिए, यानी न्यूटेला।
वाह, बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है कि न्यूटेला ट्विक्स के साथ सही रहेगा। देखो ये मेरी मीठी ईंटों को कितनी मजबूती से एक साथ रखता है। बहुत कम बचा है, ऊपर एक आखिरी टच। अरे वाह, कितनी ऊंची टावर है, हमें इसे खाना चाहिए। अरे मेरा टावर हिल क्यों रहा है, तुम क्या कर रही हो, ये गिरने वाला है। तुरंत रुको, मैंने कहा रुको। अरे नहीं, ऐसा लगता है मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। माफ करना, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। ये अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया था और चोट नहीं लगी। वाह, गमी आंखें। मैं अपने हिस्से से खुश नहीं हूँ, केवल एक आंख है। किसी को फिर से सबसे छोटा हिस्सा मिल गया। मुझ पर हंसना बंद करो, यहाँ फनी कुछ भी नहीं है। मैं मजाक कर रही थी, तुम्हें मेरे चेहरे पर मारना नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं तुमसे बदला लूंगी। आओ देखिए कि क्या तुम्हें ये प्रैंक पसंद आएगा या नहीं। मुझे लगता है थोड़ा डरावना लग रहा है। अरे मेरी मदद करो। क्या हुआ, क्या ये तुम्हारी आंख है? कितना बुरा, मैं इसे नहीं देख सकती। क्या हो रहा है, तुमने मुझ पर अपनी आंख क्यों फेंकी? ओ, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। मदद करो, मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। खाने का समय हो गया है, ये चॉकलेट बॉल्स बहुत स्वादिष्ट है। ओ, आग, आ, अच्छी बात है कि सिर्फ एक प्रैंक था, मैं बहुत डर गई थी। वैसे आंखें स्वादिष्ट है, तुम निश्चित रूप से इसे पसंद करोगी। बहुत बुरा कि मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर अब मेरी बारी है, आशा है कि मुझे भी ये पसंद आएगा। अरे हाँ, ये स्वादिष्ट है, मुझे गमी पसंद है। तुम हाथ कहाँ लगा रही हो, ये मेरा हिस्सा है, सभी 100 आंखें मेरी हैं। वो कितने कोमल और मीठे हैं। बहुत अच्छा, सब कुछ जो मुझे पसंद है, मैं रुकना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे भी दे सकती हो प्लीज, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है। हाँ प्लीज, हमें केवल एक आंख दे दो। माफ करना, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बहुत देर हो गई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ओह, यह क्या है, मेरे चेहरे के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोई ओवरटेक कर रहा है। सिर्फ एक चिप, यहाँ देखो, क्या तुमने कभी चिप्स के 100 पैक देखे हैं? मैं देख रही हूँ कि कोई बदकिस्मत है, वो पक्का है। मैं उस चिप को उठा भी नहीं पा रही। वो क्या करने वाली है? मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, इसकी मदद से मैं आखिरकार खा पाऊंगी। हुर्रे, मैं चिप्स लेने में कामयाब रही। मैं जितना हो सके खुशी को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। लगता है उसका हो गया इतनी जल्दी, ये और भी अच्छी बात है। अब मेरी बारी। कितना कसकर लगा है ये ढक्कन, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ओह चलो खुल जाओ, लगता है कोई भूखा रहने वाला है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं कैसे भी ये कैन खोल लूंगी। देखो मैंने कर लिया। तुमने इसे फेंका क्यों? तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। वाह मस्त, ये सच में काफी कूल था। बिल्कुल, मैं तो चिप्स खाने में माहिर हूँ। ओ मेरा सिर, ये सब कुछ ऐसा घूम क्यों रहा है? शायद उसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये उसका स्टाइल है। ठीक है, जब तक मैं अपनी चिप्स खाती हूँ, उसे थोड़ा आराम करने दो। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, याद है ना? मेरे साथ शेयर करो। मेरा मतलब चिप्स से था, पैकेजिंग से नहीं। माफ करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि अच्छा समय नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। अरे ध्यान से, तुमने मुझे लगभग फिर से मारा। उफ़, ऐसे काम नहीं चल सकता। ओह, कितना दर्द हो रहा है। आज तो मैं सच में बहुत लकी हूँ। कितना खुश मत हो। ये सही किया, वो इसी के लायक थी। ब्रोकली, क्या ये कोई मजाक है? और मेरे पास ब्रोकली के बजाय किसी तरह की बीज है, और मैं इसके साथ क्या करूँ? मुझे पता नहीं, ठीक है ऐसे ही खाती हूँ। ओह, मैं ये नहीं चबा सकती। तुम क्या कर रही हो?
मुझे लगता है हमें इसे मिट्टी में लगाना चाहिए। अरे हमें, हम पर इसको फेंकना बंद करो, बस करो। मुझे गहरा गड्ढा खोदना होगा वरना पौधा ठीक से नहीं उगेगा। लेकिन तुम्हारी वजह से हम सब मिट्टी में ढक गए हैं। अब बीज डालती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसे कुछ होगा? हम जल्दी पता लगा लेंगे। लेकिन अभी तुम अपनी ब्रोकली खाओ। ओह, इसकी महक भयानक है। मुझे सब्जियों से नफरत है, वे इतने बेकार होते हैं। अच्छी बात है कि मुझे सबसे छोटा हिस्सा मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं इससे निपट सकती हूँ। मुझे तुरंत कोला पीना होगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा। चलो मुझे ये दे दो, मुझे अपने पौधे को पानी देना है, इसे नमी की जरूरत है। तो क्या इससे मदद मिली? हाँ, ये बढ़ने लगा है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, फिर शुरू हो जाओ, अपने खाने का मजा लो। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। काश मैंने ये नहीं उगाया होता। मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है, मुझे ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखने में भी गंदा लग रहा है। तुम पूरी मिट्टी में ढक गई हो। लेकिन मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है मुझे पता है ये सब कैसे खाना है। देखो वहाँ एक चिड़िया है। मेरा विश्वास कर लिया बेवकूफ होने। इनको उल्लू बनाना काफी आसान है। मैं दिखावा करूंगी कि मैंने सब कुछ खा लिया, लेकिन असल में मैं इसे फेंक दूंगी। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? ऐसे नहीं चलेगा, मैं ये सब ले लूंगी और वापस दे दूंगी। ओ, मेरा लगभग पूरा हो गया। खाने के लिए सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। लेकिन बाकी सब के बारे में क्या? मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बचाया है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ओह, लगता है कि मेरी योजना फेल हो गई, उन्हें पता चल गया। डिस्ट्रैक्ट मत हो, खाओ। स्कीटल्स, सुपर। सभी को बड़ा हिस्सा नहीं मिला है। कितने अफसोस की बात है, मेरे पास केवल एक कैंडी है। लूजर। हंसलो हंसलो, मैं जानती हूँ कि क्या करना है। तुम्हें फोन की जरूरत क्यों है? तुम जल्दी समझ जाओगी। मैं अपनी कैंडी को थोड़ा बड़ा करूंगी। वाह, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कर सकते हैं। अभी भी केवल एक कैंडी है, लेकिन कितनी बड़ी है। बहुत अच्छा, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, मैं इस कैंडी को ना नहीं कहूंगी। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी बारी है, चलो। मेरे पास भी बहुत अच्छी योजना है। मैं अपने मुंह से कैंडी पकड़ लूंगी। एकदम मिस कर दिया। कोई बात नहीं, यह तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो और भी बेहतर आइडिया है। रुक जाओ, ये मेरी कैंडी है, मैं ये खुद खाऊंगी। किस रंग से शुरू करूं? इतने सारे हैं, इससे या ये अच्छा होगा। हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। यह क्या है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ करने के लिए तैयार है। ये कमाल की लॉटरी है जो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अंदर एक नारंगी कैंडी है, इसका क्या मतलब है? केवल एक चीज, अब मुझे पता है कि क्या चुनना है। मुझे नारंगी कैंडी चाहिए। अच्छा, उसका स्वाद कैसा है? क्या तुम्हें ये पसंद है? बहुत। अब मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मैं अपनी कैंडी किस ऑर्डर में खाऊं। तो शायद मैं तुम्हारी लॉटरी खेल सकती हूँ। वाह, देखो यहाँ क्या है। वाह, तुमने एक लकी बॉल निकाला। मैंने एक बड़े कैंडी का सपना देखा और आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। एकदम बढ़िया। देखो अंदर और भी कैंडी है। चलो, हम दोस्त हैं तो इसे शेयर करें। ये एक बढ़िया आइडिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना मन है ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वादिष्ट का स्वागत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है, क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा है और मेरे पास केवल एक, ये सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। ये पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी। और कितना सारा चीज है, मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे
मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा, ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया? सच में किसने हिम्मत की? ओह, तुम चोर, शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ। तो मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा, अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या, हमने तुमसे कहा था। हाँ, ये एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो, क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है, मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या? तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा, अपना मुंह खोलो। कितना खराब। अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने, ठीक है, तुम समझ गए ना। छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है, कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बदबू नहीं आई और मुझे ये सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे क्यों खाऊंगा? देखो कि इसे कितना अच्छा हार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो, तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। ओके। ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है, हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से इस चीज से नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज। ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी। वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है। जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओह, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली, मुझे माफ करना।
लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया, से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ और मैं लकी हूँ, मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। यह क्या हो रहा है, कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है? मेरी कैंडी कहाँ है? एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे। यार अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया, जूली केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है। यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है, सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिक टैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। ताड़ा, और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों, चोरी करने में शर्म नहीं आती? कोई एविडेंस नहीं है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ, जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर, यह लो। कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रिक्स चुराने से क्या होता है? वाह मेला, कितने सारे कैंडी हैं, चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है, मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया। लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया। वाह, पॉपिट्स का कितना बड़ा ढेर है। अजीब है लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टूट गया है, मैं बटन नहीं दबा सकती। अब तुम क्या करने वाली हो? फिर भी उसे सूंघना बंद करो, तुम वह नहीं खा सकती। तुम गलत हो, मेरा पॉपिट गमी से बना है और यह स्वादिष्ट है। वाह क्या किस्मत है। खैर बहुत कुछ नहीं बचा है, मैंने इसे जल्दी किया। तुम क्या देख रहे हो? अब तुम शायद मेरे पॉपिट्स भी गमी है, ऐसा नहीं लगता, ये बहुत सख्त है। ये चॉकलेट है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कैंडीज के साथ मेरी पसंदीदा व्हाइट चॉकलेट एक अविश्वसनीय संयोजन है। काश मैं इसे खा पाती। तुमने सही समझा फीवी, मैं इसे शेयर नहीं करने जा रही हूँ। मिया तुम्हारे पूरे चेहरे पर रंग है। क्या? खैर यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे जल्दी ठीक कर सकती हूँ। बस लगभग साफ हो गया। हाँ यह ठीक है, अब सिर्फ मैं बचा हूँ और यह बहुत अच्छी खबर है। मुझे जानना है कि मेरे पॉपिट्स किससे बने हैं, गमी या चॉकलेट, देखने से पता नहीं चल रहा है। यह असली पॉपिट्स है, बहुत बढ़िया, हम खेल सकते हैं। ओह यह कितना सुकून देने वाला है। यह निश्चित रूप से मुझे अभी चोट नहीं पहुँचाएगा। वाह चिप्स, यह अच्छी खबर है, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास केवल एक ही जार क्यों है? पता नहीं, मुझे लगता है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। क्या चल रहा है फीबी? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चिप्स सीधे तुम्हारी आँख में गिर गए, ये बहुत फनी है। मुझे इसमें कुछ भी फनी नहीं दिख रहा है, मुझे लगा कि जार खाली है। यह अच्छा है कि मुझे कम से कम थोड़ा नाश्ता मिला। खैर बस मैं खुश हूँ। यह जांचने का समय कि मेरे जार में क्या है, मुझे आशा है कि एक बड़ा हिस्सा है। मुझे देखने दो, यह नहीं हो सकता, इस जार का कोई तल नहीं है और इसमें चिप्स भी नहीं है। डैनी टेबल को देखो। ओ वे यहाँ है, मैं इसे कैसे मिस कर सकता था। मेरी राय में पूरे एक दर्जन है, यह निश्चित रूप से एक चिप से बेहतर है। हम तुम्हें बधाई देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने सिजनी को सूंघ लिया था, मैं छींकना चाहता हूँ। मैं खा सकता हूँ।
ओह, ये फिर से शुरू हो रहा है। तुमने अपने सारे चिप्स उड़ा दिए। अरे नहीं मियाँ, मेरी गलतियों को मत दोहराओ। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है कि खाना को कैसे संभालना है। वाह, कितने चिप्स, वे कभी खत्म नहीं होंगे। इस डेर में पूरे 100 है। बहुत अच्छा, अगर मैं खाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल, मेरे खाने के पास मत आना। मैं तुम्हारी मदद के बिना अपने आप को इसे संभाल सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है, यह सब तुम में कैसे फिट हुआ? मैं यह आसानी से कर सकती हूँ। लगता है गले में अटक गया है। मियाँ को बचाने का समय आ गया है। एक सेकंड रुको, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डैनी, तुम एक सच्चे दोस्त हो। लेकिन इस कोक में क्या गलत है? यह अलग अलग दिशाओं में क्यों बह रहा है? कितना बुरा, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। मैं भी यह नहीं जानता कि यह कैसे हुआ।